और अभी आप देखिए कि मर्यादा पार जो है हम लोगों ने जो है कर दिया है। गली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी कहां कोई कार्रवाई हुई। जो महिला पहलवान कुछ दिनों तक जो है धरने पर बैठी नहीं, लगातार उनका मांग रहा, जो देश को मेडल जिताती है, नाम जो है ऊंचा करती है, वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं होती। तो संसद में अगर गाली दिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है, और इससे हम लोग जो है दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही है, तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। नहीं, जब भी आते हैं लोग मिलते रहते हैं, हम लोग भी दिल्ली जाते हैं तो बातचीत होती रहती है, और गठबंधन में हम लोग जो है शुरू से रहे और पिताजी से पुराना रिश्ता रहा है उनका, तो आते जाते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। कोई उपाय है नहीं ना, काम तो किया नहीं तो गाली ना देगा। शीत श्रेणी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ, इतने बड़े कोई सोचता था कि जो है जो साथ नहीं बैठते थे अब बैठने लगे हैं, तीन तीन बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीजें जो है स्मूथ चल रहा है, हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। और खास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर के, सीट शेयरिंग होगा तो वो लोग जो लोग गए हैं उधर उन लोगों का क्या होगा, कैसे करेंगे, वो तो एक ही परिवार के एक ही पार्टी को जो अलग अलग कर दिया गया, अब वही लोग क्लेम करें तो दिक्कत तो वहां नजर आ रही है, यहाँ कहाँ नजर आ रहा है। का व्यवहार तय करेगा कि कौन किस साइड बैठेगा। अब जो आचरण और व्यवहार आ रहा है तो आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, और प्रधानमंत्री जी को तो बोले हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ जो है, और इस तरह का भाषा का प्रयोग एक अपने कलीग के साथ। अरे भाई ठीक है अलग अलग दल है, लेकिन जिस हिसाब से धर्म को लेकर के घिनौनी राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है उस मंदिर में भी जो है गाली गलौज करने से बाज नहीं आए भाजपा के सांसद। 24 घंटे से ज्यादा तो बहुत ही कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, ना होना नहीं है ना, हम लोग कोई उम्मीद भी नहीं करते कि भाजपा के लोगों पर कार्रवाई हो, तो तानाशाही है ना भाई। भाजपा में रहिएगा तो आप अच्छे हैं, ये लोग राजा लोग है, हरिश्चंद्र लोग है, भाजपा में लोग साफ सुथरे लोग है, भाजपा की असल सफाई यही है, जो साफ सफाई जो अच्छे आचरण की बात करते हैं भाजपा वाले लोग, ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। एक बिहार में है कि ओबीसी को उस बिल में शामिल किया जाए, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू से आप लोग क्यों नहीं बात की, नेहरू और राहुल गांधी से आप लोग जो बात उठी है, कहा कि अभी कौन है सत्ता में, सरकार में कौन है। अरे उन लोगों ने तो बहुत कुछ किया, आप लोग क्या किए, क्या तो देश की आजादी में क्या भूमिका था किसको नहीं पता। आज हम और आप जो है आजाद देश में हैं, तो उन लोगों का योगदान तो है ही ना, लेकिन ये बताएं ये लोग 8-9 साल से लोग क्या किए। और आप ओबीसी महिलाओं को या ईबीसी महिलाओं को आरक्षण आपने क्यों नहीं दिया, इसमें प्रावधान क्यों नहीं किया, और ये बताएं कि ऐसा बिल कोई तारीख बताइए, पास तो हो गया लेकिन लागू कब से होगा, सर, लेकिन किसी को पता ही नहीं।